तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम खेलने जा रहे हैं पाल वर्ल्ड। तो पिछली वीडियो में तुमने देखा होगा कि हम जॉर्मन टाइट से लड़ रहे थे। हाँ, ये ठीक है। आई थिंक इससे कुछ होगा, इसके सीट से। ओ हो गया। चल, ओ भैंस की क्या डैमेज दे रहा है। और मेरे को ये पता चला कि मैं जॉर्मन टाइट से ना डायरेक्ट नहीं लड़ सकता। मतलब कि भाई, मैंने सोच लिया चलो अब जॉर्मन टाइट से लड़ते हैं, तो लड़ने चलते हैं और फिर वहाँ लड़के हार के आ जाते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले 40 लेवल वाले बंदे को हराना पड़ेगा, ऐसा मैंने प्लान बनाया है। क्योंकि देखो, इसका लेवल है 45 और उसका लेवल है सिर्फ 40। तो मैं इससे लड़ सकता हूँ, उससे नहीं लड़ सकता। मैं इससे लड़ा था। मैंने सोचा था कि मैं उसे जॉर्मन टाइट से फाइट करवाऊँगा, बट मैंने इसे मार ही दिया क्योंकि मेरे पास हाइपर स्पेयर नहीं था। और हाइपर स्पेयर बनाना है मेरे को। तो हाइपर स्पेयर मैंने अनलॉक तो कर लिया है यहाँ पर। मेरे को बस पावर जनरेटर चाहिए, क्योंकि मैंने एक दूसरा बेस बनाया है और वहाँ पे हाइपर स्फीयर बनाने के लिए मैंने मशीन बना दी है। तो ये मेरा है वो दूसरा बेस। और अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो ये देखो, ये है मेरे वो सारे पॉकीमोन्स जो मैंने मेरे जो मतलब जाइंट वाले पॉकीमोन्स थे ना, जो ज़्यादा ज़्यादा लेवल के थे औकात के बाहर मेरे, वो मैंने यहाँ पर रख रखे हैं ताकि मैं इनसे थोड़ा सा मतलब यहाँ प्रोटेक्ट रहूँ, ठीक है ना। कोई मतलब यहाँ पे रेड वेड ना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे रेड पड़ने के चांसेस हैं वैसे। तो मैंने इसलिए यहाँ पे जाइंट जाइंट छोड़ दिए और पुराने बेस पे नॉर्मल मैंने वो रखे हैं पॉकीमोन्स, ताकि मैं अपना छोटा मोटा काम करता रहूँ, जैसे इंगट को बर्न करना है वो सब चीज़ें, और खाना वगैरह बनाना। अब यहाँ पर मेरे को, अब यहाँ पर आ रहा है नॉट इनफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेरे को चाहिए पावर जनरेटर। और पावर जनरेटर बनाने के लिए मेरे को लगेगा कॉपर और कुछ ऑर्गन्स लगेंगे, जो मैंने यहाँ पे अभी रख दिए हैं। बट मेरे को पावर जनरेटर को ना इधर टेक्नोलॉजीज़ में जाके ना इसे अनलॉक्ड करना है, और मेरे को चाहिए 3 टेक्नोलॉजिकल पॉइंट्स, ठीक है ना। हालांकि मेरे पास शायद 2 आ चुके हैं, और मेरे को पता नहीं कि कैसे टेक्नोलॉजी पॉइंट्स देखते हैं। भाई प्लीज़ तुम कमेंट्स करके बताना, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि टेक्नोलॉजी पॉइंट देखते कैसे हैं। अभी इनहेंस स्टैट्स है, मैं यहाँ पर अपना स्टैमिना बढ़ा लेता हूँ, बट अभी मैं कुछ बढ़ा नहीं रहा, क्योंकि मेरे को यही है कि टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मेरे यहाँ पर ख़त्म ना हो जाए। तो अभी हमें किसी से फाइट करने चलना पड़ेगा, ताकि मैं अपना टेक्नोलॉजी पॉइंट्स और बढ़ा लूँ। तो अभी मैं कोई छोटा मोटा ढूंढ लेता हूँ, जैसे कि हम चिल्लेट के पास चलते हैं, हो सकता है हमें चिल्लेट मिल जाए। या चिल्लेट भी छोड़ो, ये पेटेलिया। ओ भाई हाँ, ये पेटेलिया मैंने पकड़ा नहीं, क्या मैंने मार दिया इसे? हाँ यार, पेटेलिया है ही नहीं मेरे पास। और हाँ, मैंने ना उसको जॉर्मन टाइट को हराने के लिए मैंने ये पॉकीबोन भी पकड़ा है। इसका नाम है रेप्टियोरो, और इसकी पावर इतनी ख़तरनाक है कि मैंने पूरा किंग ऑफ द फॉरेस्ट वाला मेमोरिस्ट, जो दोबारा स्पॉन हुआ था भाई, इस अकेले ने उसे हरा दिया। और मेमोरिस्ट इसे इतनी जल्दी से डैमेज दे भी नहीं पा रहा था, क्योंकि इसकी जो बॉडी, वो इसकी पूरी बॉडी पत्थर की बनी है। ये देखो, पूरा अर्थक्वेक ले आता है, ये गेम भी लैग होना चालू हो जाती है। इसकी ऐसी पावर नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि गेम लैग होने से इसका क्या लेना देना है, बट हाँ मतलब गेम लैग होना स्टार्ट हो जाती है जब भी ये ऐसे अर्थक्वेक ऐसे ले आता है ना। और ये अपना है वॉन्डरिंग मार्चेंट, मेरे को से कुछ चीज़ें सेल करनी है को ना। ये क्या नाम है, प्रीशियस पेल्ट, एक तो ये सेल करना है मेरे को। हाँ यही सेल करना है मेरे को, और है ही क्या मेरे पास, और कुछ है ही नहीं मेरे पास, और कुछ है ही नहीं मेरे पास, गरीब आदमी हूँ मैं। पहले मैं देखता हूँ, हाँ ये रहा, ये यहीं पे आके क्यों रुकता है, हमेशा आता है, हमेशा आएगा, यहीं रुकेगा। सेल करना है भाई मेरे को तेरे को, और ये ले ले, ये ले ले, हाँ बस इतने में खुश रहे, सेल, चलो बहुत है इतना। तो इसे मैं यहाँ चेस्ट में रख देता हूँ, ठीक है ना। अब निकलते हैं यहाँ से। मेरे को अभी हाइपर स्पेयर की ज़रूरत है, और हाइपर स्पेयर के लिए पावर जनरेटर चाहिए, और पावर जनरेटर के लिए टेक्नोलॉजी पॉइंट्स चाहिए। तो मेरे को अभी ऐसा करना पड़ेगा, मेरे को किसी उससे लड़ना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, मेरे को ना इससे लड़ना पड़ेगा, या तो पेटेलिया या फिर कोई और भी, कोई भी मिल जाएगा ना, मेरे को उससे लड़ना पड़ेगा, इसी पॉकीमोन से, ताकि मैं ना अपना टेक्नोलॉजी पॉइंट्स ले सकूं। दिमाग में एक प्लान है कि मैं चिल्लेट से लड़ लेता हूं। चिल्लेट के पास चल के देखते हैं, शायद मैं इससे लड़ लूँ।
ओके ओके, एरा चिल्लेट, एरा चिल्लेट, रुक जाओ ब्रा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, रेप्टेरियो ने, मैं इनके फाइट में नहीं आऊंगा इस वक्त। तुम रेप्टेरियो की पावर देखो, उसे कुछ असर नहीं पड़ रहा भाई, उसकी बॉडी पत्थर की है तो क्या कर लेगा। ओ भाई कितनी, तुम खुद देखो भाई कितनी ताकत से भाई पूरा चला दिया, अर्थक्वेक आएगा। हो गया काम, हो गया, अच्छा हुआ मैंने इसे पकड़ लिया। इसे पकड़ने के चक्कर में मैं इतनी बार मर चुका हूँ ना रेप्टेरियो को पकड़ने के चक्कर में। ठीक है पार्ट, हाँ ठीक है, इतनी तो ठीक ही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से निकलते हैं, तो आई थिंक अब मैं अनलॉक कर पाऊँ। टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिलेंगे कैसे भाई, अनलॉक्ड, चल इसे अनलॉक्ड कर लिया, अब इसे कैसे करूँगा। अबे ये अनलॉक्ड क्यों नहीं हुआ, अभी मेरे को मिल नहीं रहा था, मैं डर गया था, मैंने कहा भाई कहाँ गया, ये अनलॉक्ड ही नहीं हो रहा भाई। और पता नहीं कितने एंशियंट सिविलाइजेशन ले आया मैं, कितने बंदों को हरा हरा के, ये अनलॉक्ड ही नहीं हो रहा। अब टेक्नोलॉजी पॉइंट्स पता नहीं कैसे बढ़ेंगे फिर। आई थिंक मेरे को ना नॉर्मल वाला पकड़ना पड़ेगा तब जाके कुछ होएगा, मेरे को नॉर्मल ही पकड़ना पड़ेगा। ये लैदर तो इसमें आ जाएगी। अब मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट्स कैसे लूँ। हालांकि मैंने ये वाली गन बना ली है, मैं लड़ सकता हूँ, पर फिर भी मेरे को बहुत ज़रूरत है। दिखाता हूँ तुम्हें, ये वाली गन, ये देखो। अच्छा शूट करूँगा ना, देखो निशान, अबे निशान गायब हो गया भाई। वो देखो मर गया, वो देखो वो भी मर गया। ओ भाई सीधा हेडशॉट दिया मैंने तो उसे। ठीक है ठीक है, मैं अभी इंगट्स ले आया हूँ, अभी अपना जो रेप्टियोरो है ये इसे जल्दी से वो कर देगा, बर्न करता रहेगा अपना, तो अपना इंगट विंगट बन जाएंगे। और ये जितनी भी बोर्ड है ये मैं सब रख देता हूँ। ओ भाई इसने बना दी थी, ठीक है अब ऐसा करता हूँ इसे ऊपर रख के आ जाता हूँ। कि वैसे मेरा प्लान है कि मैं एनुबिस से लड़ूँ, पर जब मैं अभी इससे जॉर्मुन टाइट से ही नहीं लड़ पा रहा तो मैं एनुबिस से कैसे लड़ूँगा। हाँ मैं यहाँ का रिकॉल टावर ऑन कर सकता हूँ, तो हम इधर चलते हैं और अपना रिकॉल टावर ना वहाँ का ऑन करके आ जाते हैं, ताकि हम उधर भी टेलीपोर्ट हो सकें। ओके मेरे को यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा, तब मेरे को वो रिकॉल टावर मिलेगा, उसे अनलॉक करना पड़ेगा, फिर अपना काम हो गया, फिर हम घर चलते हैं। ओ ये रहा ये रहा ये रहा, फास्ट ट्रैवल अनलॉक्ड हो गया। अब मैं यहाँ से ना सीधा अपने इस वाले बेस पे भी आ सकता हूँ, और अपना जो पुराना बेस है ये वाला, इस पे भी आ सकता हूँ, तो अपने सीधा पुराने बेस पे चलते हैं। ओके गाइस, तो हम अपने पुराने वाले बेस पे आ चुके हैं। अब मैं बस हमसे इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से तुम पिछली वीडियो देख सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करो, जल्दी से बस 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।